अभी भी रावण है, कुंभकर्ण है। बाबा ये हो गया, आप कोई भजन सुनाइए जो आपको राम जी के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पति कपावन सीताराम, सीताराम राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भैया राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। देखो गंगा शिव की जटा में, ब्रह्मा के कमंडल में, नारायण की शरणों में, हर हर गंगे, हर हर गंगे। दुनिया के अंदर भगवान है, भगवान है। मेरे इतने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है, जो भगवान की आस्था पे निकलता है, भगवान के नाम पे निकल जाता है, ये अपना सनातन धर्म है, कहीं ना कहीं उनको आसरा मिल जाता है। बाबा आपके कितने सालों से, कितने उम्र से आप ये कर रहे हैं? मैं ये यात्रा साइकिल 21 साल से करता हूँ। 21 साल से 20 और 1 21 साल, 21 साल से कर रहा हूँ। मेरी उम्र हो गई 63 साल की। अभी अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं? 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ के मेले, 3 बार अमरनाथ, 4 धाम, ज्वाला देवी, नैना देवी, मनसा देवी, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, ऐसे मैंने सर हिंदुस्तान में बड़े बड़े यात्रा कर लिया। मथुरा, काशी, प्रयागराज, सब जगह में साइकिल। बाबा कभी जनकपुर नहीं गए आप सीता जी के घर? जाके आया बस से, रेल से जाके आया। रेल से जाके आया? हाँ, जनकपुरी नगरी, सीतामढ़ी। बांध टूटा था, 2-3 टुकड़े हो गए थे, तो एक टुकड़ा ऊपर गया था, 2 टुकड़े नीचे रह गए, वहाँ जाके आया, और पशुपतिनाथ जाके आया, बुद्ध मंदिर जाके आया, एक अपने नेपाल में शक्तिपीठ भी है, वो माता का दर्शन करके भी आया। अभी कितने उम्र तक अभी आपको जाना है भाई? भगवान टारगेट होगा ना कि अभी कितना? वो तो भाई भगवान पे है, हम कोई तमन्ना नहीं होते, तो भगवान पहला सुख काया निरोगी, ये काया अच्छी है तो सब सुख है, ये सब सुख है, तो हम दर्शन कर पाएंगे भगवान का, जो हमारी तमन्ना हनुमान जी पूरा करता है। हनुमान जी को, कृष्ण भगवान को, राम ही वही कृष्ण है, कृष्ण वही राम है, राम पूजा करे शिव की, शिव पूजा करे राम की। एक लास्ट भजन हो जाए, पर्वतगिरी महाराज की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो एक बार थोड़ा इनको दिखा दीजिए, इनका साइकिल के इधर देख लीजिए, इनका साइकिल है ये, और पूरा यहाँ पे ये भी दिखा दीजिए बाबा, पूरा अपना यहाँ मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, पूरा एकदम सेटअप करके रखे हैं। और इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आपका विचार है, आप क्या कर रहे हैं? पहली बार जब अयोध्या में आए थे तो हनुमान जी हम पे सवार हो गए थे। अच्छा, उन्हीं ने कहा कि तुम हमारे रूप में रहो। अच्छा। और जन कल्याण की करो, तुम जो काम करेगे हमारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, इसलिए हनुमान जी के भेष में हमेशा रहते हैं। 22 तारीख का जैसा आपको बताइए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारी श्री राम की, तो आपका क्या आगे प्लान है? अब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, चारों तरफ पूरे विश्व में खुशियां छा जाएगी, सब लोग किसी चीज़ के कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, राम राज धीरे धीरे आ जाएगा, सब कोई राम जी का नाम लेगा और राम जी के पास जाएगा, हनुमान जी की यही कृपा है, राम जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ए दीपक।